नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। स्वास्थ्य विभाग चंबा द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज की जीएनएम की छात्राओं, आशा कार्यकर्ताओं और क्षय रोग कर्मियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉक्टर राजेश कुलेरी ने की। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज की जीएनएम की छात्राओं के लिए पोस्टर व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। पेश है संबंधी हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। जैसा कि सभी को विदित है कि 24 मार्च को पूरे देश में वर्ल्ड टीबी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी श्रृंखला में जिला चंबा में भी आज जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे ही कार्यक्रम खंड स्तर पर और हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन स्तरों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार का वर्ल्ड टीबी डे का जो थीम है वो ये है कि द क्लॉक इज टिकिंग एंड इट्स टाइम टू एंड टीबी। समय का पहिया निरंतर चलता रहता है और अभी समय है जब हम टीबी को एंड करें। एंड टीबी का मतलब जो है वो ये है कि प्रेजेंटली जो 1 लाख की जनसंख्या पर लगभग 250 के करीब केसेस होते हैं, उन्हें हमें 2023 तक हिमाचल प्रदेश में 40 से नीचे लेकर आना है। और 2015 में जितनी मृत्यु दर थी, टीबी से होने वाले मृत्यु की संख्या थी, उसे 95% से भी अधिक कम करना है। और साथ में एक लक्ष्य ये भी है कि टीबी से होने वाला जो खर्चा है हेल्थ केयर पे, उसे ज़ीरो किया जाए। सरकार और विभाग द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास जारी किए गए हैं और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि टीबी के जो मरीज़ हैं उन्हें समय रहते डिटेक्ट किया जाए और वो सभी लोग अपना पूरा इलाज जो है वो कंप्लीट करें, ताकि जो ड्रग रेजिस्टेंस या जो दवाई से होने वाली रेजिस्टेंस है उसको कम से कम किया जा सके। जल्दी टीबी के मरीज़ डायग्नोस हों, इसलिए हर रविवार को आशा कार्यकर्ता के माध्यम से संडे एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान भी किया जाता है और हमें पिछले कुछ महीनों में काफ़ी केसेस ऐसे संडे ACS से निकाले हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने अच्छा कार्य करने के लिए एक आशा कार्यकर्ता को कोरडी क्षेत्र से यहां पर सम्मानित भी किया। सभी प्रयास इस तरफ केंद्रित हैं कि टीबी के मरीज़ को घर से नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र पर समय रहते डायग्नोस किया जाए, ताकि हम जो हिडन केसेस हैं उन्हें डिटेक्ट कर पाएँ और टीबी की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको रोक पाएँ, ताकि संक्रमण की जो एक श्रृंखला है उसको तोड़ा जा सके और हम जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एंड टीबी के, उसे ज़िला में भी और प्रदेश में भी समय रहते पूरा कर पाएँ।